नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मई शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में आर्थिक मंदी से जूझ रहे युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मजदूरी नहीं मिलने से युवक परेशान रहता था। सूचना मिलने पर स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यह घटना स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में हुई है। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी की अश्लील फोटो खींचकर डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। खानपुर थाना पुलिस ने बताया कि एक युवक ने नाबालिग किशोरी की अश्लील फोटो खींचकर युवती को ब्लैकमेल कर गांव के बाहर बाड़े में ले जाने का मामला दर्ज हुआ है। आज किशोरी का झालावाड़ अस्पताल में मेडिकल करवाया जाएगा। वहीं आरोपी सद्दाम मौका पाकर फरार हो गया है, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान अब बिजली कर्मियों पर भी हमले का मामला सामने आया है। कनिष्ठ अभियंता विजेंद्र कुमार पुत्र राम कुमार वर्मा निवासी उदयपुर वाटी ने सीकर जिले के धोद थाना में मुकदमा दर्ज कराया है कि फीडर इंचार्ज महेश महला और गोविंद बाजिया फतेहपुर फीडर पर पेड़ों की छंटाई व मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। इस दौरान बिजली का अवैध तार डालने वाले राजेंद्र पाल, राहुल ढाका व पूनम ढाका ने उसके साथ मारपीट करने के साथ कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। डूंगरपुर में एक युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। यह घटना धम्बोला थाना क्षेत्र के भचड़िया गांव में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने चाकू से खुद की गर्दन काट ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के रोटेटा गाँव निवासी गुज्जर समाज ने एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है। यह न बैंड बाजा, न तामझाम, न नाते रिश्तेदारों का हुजूम और ना ही प्रतिभोज, बस 5 लोगों के बीच पूरे विधि विधान से शादी हुई। पीपल पूर्णिमा पर अनोखी शादी में दुल्हा दुल्हन सहित सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। इतना ही नहीं, बारात को विदाई में मास्क व सैनिटाइजर भी उपहार में दिए गए। अजमेर के पुष्कर में नगर पालिका ठेकेदार के कर्मचारी विरोध में उतर आए हैं। क्रामिकों को 2 माह के वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से उनमें रोष फैल गया है। ईओ का पद रिक्त होने के चलते यह परेशानी आई है। तो वहीं कार्यवाहक ईओ पारसमल जैन ने क्रामिकों को कहा है कि उन्हें सिर्फ मार्च माह का ही वेतन मिल सकता है। क्रामिकों ने पूरे वेतन की मांग करते हुए कहा है कि जब तक उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल जाता, तब तक वे कार्य नहीं करेंगे। कोटा ग्रामीण व कोटा शहर पुलिस ने 2 मामलों में 4 जनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2 लाख रुपए की धूम्रपान व तंबाकू सामग्री बरामद की। सिमलिया पुलिस ने अवैध रूप से धूम्रपान सामग्री संग्रह करने और बेचने के मामले में 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। सिमलिया थाना क्षेत्र के पुलिस ने सूचना पर दुकानदार मनोज जैन, हुकुमचंद जैन व चंद्रमोहन जैन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए की धूम्रपान सामग्री जब्त की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोटा के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोटा के अनंतपुरा, महावीर नगर, दादाबाड़ी, किशोरपुरा, गुमानपुरा, नयापुरा, बोरखेड़ा, परकोटा के मकबरा, कोतवाली और कैथुनीपोल थाना क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। कोटा के परकोटा में पिछले 1 महीने से लगातार कर्फ्यू चल रहा है। वहीं कोटा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 231 पर पहुँच गयी है। भीलवाड़ा में जिला पुलिस के उठापटक का दौर जारी है। अब बनेड़ा का थाना प्रभारी नंदलाल रीणवा को बनाया गया है। नेमीचंद चौधरी को भीलवाड़ा कोतवाली थाना का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कल गुरुवार को कोतवाली थाना प्रभारी यशदीप भल्ला और प्रतापनगर सीआई गजेंद्र सिंह को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया था। करौली की टोडा भीम तहसील की ग्राम पंचायत शहराकर में मनोज के गांव दाननपुर के ग्रामीण शराब की दुकान खोलने के विरोध में धरने पर बैठ गए। सूचना पर तहसीलदार विनोद कुमार मीणा व थाना अधिकारी मनोहर लाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। मौके पर पहुंचे जिला आबकारी अधिकारी ने इस पर ग्रामीणों से इस बारे में शीघ्र ही कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.